मणिपुर में हिंसा पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मणिपुर में हिंसा पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को मान और सम्मान की लड़ाई में आगे किया है, लेकिन मान और सम्मान की लड़ाई में महिलाएं खुद घुट घुट के मर रही है और आज हम महिलाओं को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। मोदी जी की सरकार बिल्कुल नाकाम हो गई और हम सब इस सरकार से बहुत दुखी और आहत है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मणिपुर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ उससे शर्मिंदा हूँ, स्तब्ध हूँ, लेकिन हैरान नहीं, क्योंकि आरएसएस बीजेपी की जो डिविजिव पॉलिसीज हैं समाज को हर लेवल पे जो डिवाइड करने की है उसी का नतीजा है कि किस तरह से महिलाओं को नंगा करके और उनको सड़कों पे घुमाया गया, फिर उनके साथ दरिंदगी की गई, गैंग रेप हुआ, फिर मर्डर किया गया। और जब पत्रकारों ने पूछा वहाँ के मुख्यमंत्री से तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो 100 घटनाएँ हो रही हैं, हज़ारों घटनाएँ ऐसी हो रही हैं, ये शर्म से डूब मरने की बात है। महिलाओं की, हमारी बहन बेटियों की जो सुरक्षा है वो तमाम दाव पर लग चुकी है। ये देश में फांसीवाद, तानाशाही, इस देश में केवल अगर मोदी के पास कोई सवाल है वो कुर्सी है। महामहिम राष्ट्रपति कार्रवाई करें, मणिपुर की सरकार को इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे, नहीं तो देश आज जंतर मंत्र के ऊपर 1000 महिलाएं सड़कों पर सो रही हैं। रेवाड़ी के अंदर भी इसी तरह का आंदोलन खड़ा किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 80 दिन से हो रही जातीय हिंसा से गृह युद्ध जैसे हालात हैं, लेकिन जिस तरह से भीड़ द्वारा दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़कों पर घुमाने का वीडियो वायरल हुआ, इस हैवानियत के बाद पूरा देश शर्मसार है। वीडियो वायरल होने के बाद देश भर में रोष प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन का यह बयान कि उनको वीडियो सामने आने के बाद वारदात की सूचना मिली, हैरान करने वाला है, जबकि वह प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। वहीं हैवानियत 2 महीने पुरानी बताई जा रही है। यदि यह वीडियो अब भी नहीं आता तो शायद मणिपुर सरकार अब भी कोई कार्रवाई करती हुई दिखाई नहीं देती। शुक्रवार को रेवाड़ी में भी जागरूक संगठनों की ओर से आंखों पर पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया गया, लेकिन मणिपुर में हुई हैवानियत इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। वहीं मणिपुर सरकार का रवैया इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। हालांकि अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब आरोपियों को फांसी की सजा व मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। संसद में भी बवाल मचा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी जागरूक संगठन की ओर से प्रदर्शन करने के बाद क्या कहा गया। मैं मोनिका मेहरा हूँ, सेवा स्तंभ से महिला विंग की प्रधान। मैं मणिपुर के मामले में कहना चाहती हूँ, जो जघन्य अपराध हुआ है भाजपा की सरकार के अंदर, जो बीजेपी वाले कर रहे हैं और इस अपराध को उन्होंने छुपाया है, जो 2 महीने से उन महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसका हम सरकार से हिसाब मांगते कि महिलाएं कहां सुरक्षित है। एक बार तो मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो उन्होंने नारा दिया है वो सरकार कहां तक सहकार कर रही है, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि महिलाएं अपनी इज्जत को कैसे बचाएं, महिलाएं कैसे सुरक्षित हैं। इस देश की महिलाएं सरकार से मांग करती हैं कि मणिपुर में जो हादसा हुआ उनको न्याय मिले और इस महिलाओं, इस देश की महिलाओं को सुरक्षित होने का आश्वासन दे, वरना ये महिलाएं इसी देश में तिल तिल करके मर रही हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को मान और सम्मान की लड़ाई में आगे किया है, लेकिन मान और सम्मान की लड़ाई में महिलाएं खुद घुट घुट के मर रही और आज हम महिलाओं को सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और इस अवस्था में देखिए, यहाँ पे मोदी जी की और मोदी जी की मीडिया ने ये चलाया हुआ है कि सीमा के ऊपर सीमा हैदर आई हुई है, वो पाकिस्तान को पार करके, सीमा हैदर पाकिस्तान से सीमा पार करके इधर आ गई, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जा रहा, वो एक राष्ट्रभावी बना दी गई है देश की, तो हर बात पर मीडिया उसी को दिखा रहा है। तो सरकार से हम अपील करते हैं कि आप इन सब चीज़ों के चक्करों को ना छोड़ के देश की बेटियों को बचाएं, महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार की सुनवाई करें और जो हमारे जो संगठन मिलके इसके खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे हैं उनकी आवाज़ सुने। मोदी जी कब तक सोएंगे, आपकी सरकार कब तक सोएगी अगर ऐसा रहा है तो। पुलिस की मौजूदगी में इस तरह से महिलाओं की मौजूदगी होती है, हाँ जी हाँ जी, पुलिस की मौजूदगी में ये सारे अंजाम दिए गए हैं। महिलाओं ने उनसे हेल्प भी मांगी लेकिन उन्होंने इग्नोर किया है और भीड़ में उनको धकेला गया है, उनके साथ चलते चलते जो दरिंदगी हुई उनके साथ बलात्कार हुए, उनके भाई को, उनके चाचा को, उनको मार दिया गया, ये मर्डर किया गया है। और मणिपुर में 2 महीने से ये होने के बाद भी सरकार ने अब जाके संज्ञान लिया है। मोदी जी की अब आई है प्रतिक्रिया कि ऐसा क्यों हो रहा है, अभी उनको आंसू दिखाई दे रहे हैं उन महिलाओं के, लेकिन मणिपुर पूरा जल के, धू धू करके जल रहा है।
तो इसके लिए हम सरकार को आगे से कभी भी इस सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम बीजेपी सरकार को मुर्दाबाद बोल रहे हैं। जिस तरह से न्याय नहीं मिलता, महिला सशक्तिकरण क्या करेगी, किस तरह से कदम उठाएगी? महिला सशक्तिकरण अब एकजुट होके इनके खिलाफ महिला मोर्चा अपना कोई ना कोई कदम उठाएगी, क्योंकि ये ऐसा महिलाएं कब तक सहन करती रहेंगी। मोदी जी की सरकार बिल्कुल नाकाम हो गई और हम सब इस सरकार से बहुत दुखी और आहत हैं। डॉक्टर पूनम यादव, लेकिन यहाँ एक महिला होने की हैसियत से आई हूँ और जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ उससे शर्मिंदा हूँ, स्तब्ध हूँ, लेकिन हैरान नहीं, क्योंकि आरएसएस बीजेपी की जो डिविजिव पॉलिसीज हैं समाज को हर लेवल पे जो डिवाइड करने की है उसी का नतीजा है। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी हम लोग कुछ कर पाएंगे, लेकिन इतना जो कम्युनिटीज़ में जहर फैला दिया गया है उसको ठीक करने में शायद दशकों लग गए। बहुत शर्मिंदा है इस बात से। महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ की मणिपुर की बात करें, कहीं की बात बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं, इस तरह का पुरुष वर्ग की सोच में बदलाव चाहिए ज़रूर। पुरुष ईगो जब भी हर्ट होती है तो होता है, लेकिन जो मणिपुर में हुआ है ये शासक वर्ग के शय से हुआ है। जब शासक वर्ग, प्रशासन और पुलिस ऐसे लोगों के साथ हो जाए तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए शर्मिंदा भी है और परेशान। क्या कदम रहेगा? जो इमीडिएट स्टेप्स है वो तो सब बता ही रहे हैं कि कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, उनके फेलियर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन सबसे जरूरी चीज़ है कि दूरगामी प्रयास होने चाहिए कि समाज में इन चीज़ों को, जो आज गुंडागर्दी पे लोग उतर आते हैं और समाज में खुलेआम चलते हैं, ये कुछ इफेक्ट करना पड़ेगा कि ऐसे गुंडागर्दी की चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। हिंसा हुई है, जो दरिंदगी हुई है वो किसी भी सूरत में सहन करने योग्य नहीं है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। और हम महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम आज ज्ञापन सौंप कर हम ये मांग करते हैं कि इसके लिए मणिपुर सरकार और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जिन लोगों ने भी ये दरिंदगी की है उनको तुरंत फांसी की सजा दी जाए। यही हमारी विनती है और यही हमारा कहना है। धन्यवाद जी। आज ये शहर के नागरिकों की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति को इस आशय का ज्ञापन दिया गया है कि कई महीनों से मणिपुर जल रहा है, हजारों लोग मर चुके हैं, लाखों परिवार तबाह हो चुके हैं, और केवल मात्र इतना ही नहीं है कि किस तरह से महिलाओं को नंगा करके और उनको सड़कों पर घुमाया गया, फिर उनके साथ दरिंदगी की गई, गैंग रेप हुआ, फिर मर्डर किया गया। और जब पत्रकारों ने पूछा वहाँ के मुख्यमंत्री से तो उन्होंने कहा कि ऐसी तो 100 घटनाएं हो रही हैं, हजारों घटनाएं ऐसी हो रही हैं, ये शर्म से डूब मरने की बात है कि आज हमने आग के पट्टी बांध करके राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन इसलिए भेजा है कि मणिपुर की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। और दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर जो अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं वो विदेशों में घूम रहे हैं, जब ये दर्दनाक घटना हुई जिसको इंसान सभ्य समाज देख नहीं सकता, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत क्रोधित हूँ। आज पहली बार वो बोल रहे, इससे पहले उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा और ये होता रहा, वो विदेशों में घूमते रहे। तो इस देश में ये लोकतंत्र, जिसको लोकतंत्र हमारी संस्कृति, हमारी महिलाओं की, हमारी बहन बेटियों की जो सुरक्षा है वो तमाम दाव पर लग चुकी है। ये देश में फांसीवाद, तानाशाही, इस देश में केवल अगर मोदी के पास कोई सवाल है वो कुर्सी है, कुर्सी के लिए वो कुछ भी करवा सकता है, ये हद हो चुकी है। देश आज़ाद होने के बाद ये पहली ऐसी घटनाएँ हैं कि देश का प्रधानमंत्री विदेशों में जश्न मना रहा है, अडानी अंबानी के लिए बाजार टो रहा है, और यहाँ महिलाओं को सड़कों पर नंगा
और वो अभी थाना से उठाकर महिलाओं को, और पुलिस भी मूक दर्शक है, थाना से महिलाओं को उठाया गया, जो थाना में सबसे कहते सुरक्षित जगह होती है किसी भी आदमी के लिए, चाहे पीड़ित हो चाहे अपराधी हो, वहाँ से उठा करके उनके साथ जो कत्ल और दरिंदगी की गई, ये हमारे सभ्य समाज के ऊपर बहुत बड़ा कलंक है। हम इसकी इसके लिए निंदा करने के लिए कोई शब्द हमारे पास नहीं है। राष्ट्रपति इसके ऊपर कार्रवाई करे। नेत्र रेवाड़ी के लोग, ये केवल उन महिलाओं की इज्जत का सवाल नहीं है, अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता चला गया तो हमारी कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी। महिलाओं के ऊपर पहले ही जुल्म अत्याचार बढ़ रहे हैं, और फिर सरकार की सह में, सरकार के पेट्रोनेज के द्वारा, मुख्यमंत्री की डायरेक्ट सह में, नेताओं की डायरेक्ट सह में अगर महिलाओं के ऊपर ये किया जाता है, तो इससे बढ़कर के और कोई जघन्य अपराध दुनिया में नहीं हो सकता। महिलाएं किसी एक कौम की नहीं है, किसी एक संप्रदाय की नहीं है, ये महिलाएं इस देश के नागरिक हैं, हमारी तमाम बहन बेटियां हैं, उनको इस ढंग से बांटने की साजिश नहीं चल सकती। इसलिए आज हमने ज्ञापन दिया है, इसके ऊपर महामहिम राष्ट्रपति कार्रवाई करें, मणिपुर की सरकार को इस्तीफा दे और प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दे, नहीं तो देश जंतर मंत्र के ऊपर 1000 महिलाएं सड़कों पर सो रही हैं, रेवाड़ी के अंदर भी इसी तरह का आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और वहाँ की प्रदेश की सरकार और पुलिस जैसे कोई जश्न जीत का मना रहे हो, ये तमाम किया जा रहा है, एक एक किसी को खुश करने के लिए उनकी जीवन को दाव पर लगाया जा रहा है। लोकतंत्र के अंदर, कानून के राज के अंदर तमाम, अगर ऐसा अगर हो रहा है तो देश में कहाँ लोकतंत्र है, कहाँ लोकतंत्र कानून का राज है। कानून आज गुंडों के हाथ में है, हिंसा करने वालों के हाथ में, और वो इसलिए बर्बाद हो रहा है कि हमारी केंद्र की सरकार और मणिपुर की सरकार उसको बढ़ावा दे रही है और मौन साधे हुए हैं। तो क्या सरकार एक एक घंटे में दंगा नहीं रोक सकती? सरकार के पास इतना सब कुछ है, रोक सकती है, परंतु जानबूझ के उसको उकसाया गया है, दंगा को बढ़ाया गया है और अपराधियों को सह दी गई है। इसलिए उन महिलाओं के साथ ये जो घिनौना करते हुआ है, आज पूरी दुनिया में आज देश को बदनाम कर दिया सरकार ने, पूरी दुनिया में बदनाम हो गया देश, कि ये देश ऐसा भी है जहाँ महिलाओं को नंगा घुमाया जाए और चलते चलते उनके साथ दरिंदगी की जाए और फिर उनका मर्डर कर दिया जाए और दुनिया में वीडियो भी वायरल कर दी जाए और उसके ऊपर जश्न मनाया जाए। क्या यही हिंदुस्तान है? ऐसे हिंदुस्तान के लिए भगत सिंह और नेताजी ने अपनी जान लगाई थी, हमारे देशभक्तों ने इसी देश के लिए जान लगाई थी। आज ये बीजेपी की सरकार इस देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है, इसलिए जनता को सड़कों पर आकर के अपनी रक्षा करने के लिए आगे आना होगा, ये हमारा कहना है। इनको फांसी की सजा हो, जघन्यतम से जघन्यतम अपराध है इस देश के अंदर। आज तक इतिहास में हमने ये नाम नहीं सुना, कत्ल हुए हैं, रेप हुए हैं, परंतु वो पीछे से हुए हैं, ओड में हुए हैं, छिपाया गया है, किडनैप हुए हैं, परंतु जिस तरह खुला सड़कों के ऊपर भारी भीड़ की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में, और यहाँ तक भी इनपुट सारी MLA भी वहाँ है शासक पार्टी के, और तब ये किया जा रहा है, तो उनको, उन तमाम को, मणिपुर के मुख्यमंत्री को, उसकी तमाम कैबिनेट को और देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को जो कानून व्यवस्था संभाल नहीं पाए, इन तमाम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनकी जगह जेल है। इस देश को जनता ने अपने हाथों से बचाना है, आज ये समय आ गया है। आपने सुना लोग कितने गुस्से में हैं, लोग मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं आरोपियों को फांसी की सजा की मांग भी कर रहे हैं। अब आपको समझाते हैं क्या है पूरा मामला। म्यांमार से सटे मणिपुर में 3 मई को जातीय हिंसा भड़कने के बाद से अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं। हिंसा की शुरुआत तब हुई जब कुकी समुदाय ने पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला व मैतई समुदाय को अनुसूचित जनजाति अर्थात ST में शामिल किए जाने की मांग का विरोध किया। बताने की मणिपुर की आबादी में मैतई समुदाय की संख्या लगभग 53% है, वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि कुकी व नागा आदिवासी की संख्या 40% बताई जा रही है और ज्यादातर आबादी पहाड़ी जिलों में रहते हैं। कुकी समुदाय को डर है कि मैतई समुदाय को यदि एक बार ST का दर्जा मिल गया तो वह पहाड़ों पर भी जमीन खरीद लेंगे, ऐसे में उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसी प्रभाव की लड़ाई के बीच मणिपुर झुलस रहा है, लेकिन जिस तरह से
वीडियो सामने आया कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाला है। वहीं केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार की अब तक की हुई कार्रवाई पर भी सवाल खड़े कर रहा है। आखिर सुरक्षा बल कहाँ है, आखिर पुलिस कहाँ है? केंद्र की ओर से तमाम दावे किए गए कि अतिरिक्त सुरक्षा बल मणिपुर में भेजे गए हैं, लेकिन जिस तरह से वारदात सामने आई है कहीं ना कहीं तमाम दावों पर सवाल खड़े करती है। बड़ा सवाल यह भी है कि मणिपुर सीमावर्ती प्रदेश है, ऐसे में जिस संवेदनशीलता के साथ काम होना चाहिए था शायद ऐसा नहीं हो पाया है। इसी के चलते देश भर में गुस्सा है।